This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. Trading in any form involves risk. So before everything you do, analyze your financials and then decide. We are not responsible for your any kind of losses. 18 plus. आज के वीडियो में हम क्या गोल्ड का एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक में, किधर ये गोल्ड मूव कर सकता है। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर हमारे टेलीग्राम को चैनल को आपने नहीं ज्वाइन किया तो फ्री के जितने भी फ्री की चीज़ें होती हैं वो भी भेजता हूँ, फ्री सिग्नल भी मैं देता रहता हूँ, इजीली ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री VIP भी ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो, उसका प्रोसेस में बताया। और फ्री के इसमें भी सिग्नल से भेजता रहता हूँ, जो कि काफ़ी हद तक 80% 90% तक एक्यूरेसी जाती है। तो इसको मस्ट टू मस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन करना। तो चलिए हम फॉरकास्ट करते हैं गोल्ड का। अब जैसे गोल्ड का मैंने H4 चार घंटे का टाइम ओपन कर लिया टाइम फ्रेम। अब अगर देखें हमारा जो गोल्ड अभी तक जो मूव हुआ, देखा हायर हाई बनाते जा रहा है, समझ रहे हैं। तो एक देखा जाए अप ट्रेंड इसका चल रहा है, बट यहाँ पर देखोगे इजीली हायर आई। अब यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने एक लेवल यहाँ पे एक लेवल ड्रा कर दिया, ये सबसे हाईएस्ट, समझ रहे हो, यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार देता हूँ, तो यहाँ पे लगभग ये यानी 1937 38। अब क्या है जो मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान है, मैं क्या करने वाला हूँ, ये नहीं कि मेरा देख के आप लगा दो ये लगा दो, मैं किसी को लगाने के लिए नहीं, सही मैं जो करने वाला हूँ अपना प्लान सब शेयर कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीक जहाँ तक सोच रहा हूँ, मुझे अगर ये हायर हाई बनाया, अगर हायर ऐसे हाई, सॉरी ये बन गया यार, तो यहाँ पे ऐसे हायर हाई, तो आपकी ये लेवल 1937 लेवल ब्रेक करे और एक रिटेस्ट करे, फिर हम बाई के लिए सोच सकते हैं, यानी बाई सोचेंगे। अदरवाइज अभी जो है जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो मैं एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ना फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट रहेगा। जैसे एक हिसाब से ये लेवल ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, तो हम नीचे की डाउन साइड देख सकते हैं, तो एक अच्छी एंट्री हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम जस्ट। पर अभी जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, ओनली सेल के लिए सोचूंगा, बाई के लिए नहीं। बाई बताया ना ऊपर, अगर उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा तो, और नीचे भी अगर चार घंटे में देखो जो एक मेजर मतलब सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट यहाँ पे ये वाला लगभग 1895 1896 के बीच का है, तो ये वाला देख सकते हो, मेजर 1895 से 96 के बीच में। तो अगर सही से इसको अगर ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा ही फिर नीचे को हमें मूव मिलेगा गोल्ड, समझ रहे हैं। ये बहुत एक बड़ा लेवल है, सपोर्ट बोल सकते हो, डिमांड जान बोल सकते हो, सप्लाई जान, सब अलग अलग रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी है। तो यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है बस यही है, नेक्स्ट वीक के लिए हम यही देखेंगे। तो आप लोग भी उसी हिसाब से अच्छे से कभी भी, और ये नहीं कि मैंने बता दिया सेल, तो यहाँ पे मेरा जो प्लान है कि हम सेल ही लेने वाले हैं नेक्स्ट वीक, हम जो सेल लेंगे। और एक छोटा सा हमेशा स्टॉप लगाना छोटा, 30 पिप 20 पिप 10 पिप ऐसे ही रखें, और रिस्क रिवार्ड अर्निंग 1.2 1.3 1.4। तो फिर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।